हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और बहुत ही हार्टली वेलकम है आप सबका रीलॉग इन मामा में। और मैं आपका दोस्त आकाश आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी है सोमवार की। इस कहानी में एक हाजरा वाटरफॉल है, एक गण माता का मंदिर है और रोड ट्रिप है और आपका भाई है। तो ये कहानी शुरू होती है ऐसे, आपका भाई बाइक लेके निकलता है हाजरा फॉल की ओर, जो 60 किलोमीटर पड़ेगा। और घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही, थोड़ा दूर मतलब 14 किलोमीटर, चंडी माता का मंदिर पड़ेगा। इसकी मान्यता अलग है, इसलिए दर्शन करते हुए जर्नी पे निकले। दस मिनट का स्टॉप है, फिर आगे चलो। आधा रास्ता कंप्लीट होने तक, यानी कि डोंगरगढ़ पहुंचने तक भूख लग रही है, तो फटाक से नाश्ता करो और फटाक से निकलो, नहीं तो लेट हो जाएगा फोकट। चलो फिर रास्ते और मौसम का मजा लेते हुए नेक्स्ट स्टॉप सीधा हाजरा वाटरफॉल। एंड हियर वी आर, अब पहुंच गए हम हाजरा वाटरफॉल। पीछे का सीन चेक करो भाई, ना बेहतरीन व्यू आ रहा है। देखो पहले सीन चेक कर लो सारे। यहाँ आके एक पुरानी याद आई, किसी ने कहा था, पता नहीं किसने, पर कहा था कि कुदरत क्या कहती है, कैसे कहती है, क्यों कहती है, ये तो ऊपर वाले की आवाज है जो हमेशा कायम रहती है। तो अभी जो हमने देखा यही था हाजरा फॉल, और पहले भी आए थे हम लोग, एक वीडियो में देखा भी था आपने, वो उस टाइम खाली था। अभी कितनी पब्लिक है और वाटरफॉल बड़ा हुआ है, तो इतना सुंदर दिख रहा था वाटरफॉल। तो पर नहाना मना था, पानी देख के ना, मतलब ऐसा टाइप का पानी देख के मैं रोक नहीं पाता नहाने वगैरह अपने, पर रोक दिया गया मेरे को, परमिशन नहीं थी पानी की वजह से नहाने की। तो जर्नी यहाँ पे नहीं एंड करते हैं, और थोड़ा सा कुछ चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पे ना एक पास में और मतलब 10 किलोमीटर दूर और यहाँ से एक मंदिर है, गण माता मंदिर। अरे बाप रे, चींटियाँ आ गई। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, बहुत मतलब सुना मैंने, गण माता का मंदिर है 10 किलोमीटर दूर और पहाड़ी पे है, और वहाँ तक गाड़ी जा सकती है। तो लोग बताए कि अच्छा व्यू है, वहाँ जाओ देखो, उसको भी एक्सप्लोर कर लो। अब आयो यहाँ तक तो ज़्यादा दूर है नहीं 10 किलोमीटर, अब आ गए 60 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और नहीं सही। तो चलो गण माता मंदिर एक्सप्लोर करके आते हैं। मौसम बहुत सुहाना है तो हमको आगे जाना है, चलिए आगे। और ये है भाई गण माता मंदिर। भगवान में उतना ही विश्वास है जितना आप सबका, इसलिए मेरी जर्नी में मंदिर का हमेशा हाथ रहता है। मंदिर बैक साइड में मेरे, पर नजारे ना इधर बैक साइड में मेरे ओरिजिनल। सीन चेक करवाता हूँ तुमको, सीन चेक करो पहले। कोई भी जगह आने के बाद ही उस जगह की विशेषता पता चलती है, और यहाँ की विशेषता नेचर और पीस है। और यहाँ पहुँचने पर शहर से रिलेटेड एक शायरी याद आई, कुछ समझ नहीं आती शहर के लोगों की, यूं ही रूठ जाते हैं आईना देखने पर। पता नहीं क्यों ये शायरी याद आई, पर आई तो कह दिया। मंदिर में तो नहीं, पर भाई मंदिर के पीछे में ना ओरिजिनल मजा आया भाई। मंदिर में तो मजा आता ही है, मंदिर में भगवान मिलते हैं, दर्शन करते हैं, मजा क्या लेना है वहां पे। पीछे सीन चेक करो, ओरिजिनल है ओरिजिनल।
तो ऐसे एंड होती है हमारी कहानी। और आपको ये हमारी कहानी कैसे लगी इसे नीचे आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं ऐसे ही आपके पास कुछ ना कुछ लेके हमेशा आता रहूँगा। तब तक मैं आपका दोस्त आपको अलविदा कहता हूँ। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।